मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हल्द्वानी प्रवास पर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सबसे पहले पौधारोपण कार्यक्रम किया और उसके बाद पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान कई पार्टी पदाधिकारी ने समस्याओं सहित अधिकारियों के खिलाफ सीएम से शिकायत की। वहीं मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने बताया कि पिछले दिनों जो अतिवृष्टि हुई है उससे रुद्रप्रयाग, टिहरी और देहरादून सहित अन्य जिलों में काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद से पूरी तरह से आपदा राहत कार्यों में जुटी हुई है। जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तीन दिन पहले जो अतिवृष्टि हुई है मानसून की सक्रियता के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर काफी स्थानों पर, विशेषकर हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में, टिहरी जनपद में, उत्तरकाशी में और देहरादून में काफ़ी नुकसान हुआ है। और विशेषकर केदारनाथ मार्ग पर जो हमारी सड़क थी, वो सड़क पूरी तरह से 9-10 स्थानों पर संपर्क उसका कट गया है। एक स्थान पर 150 मीटर से ज़्यादा सड़क भूस्खलन की चपेट में आ गई है। जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं उन सभी श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। आज प्रातः काल तक 12,000 से भी ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सका था। आज का आंकड़ा शाम तक आ जाएगा और हमारा प्रयास है कि आज अगर मौसम ठीक हुआ होगा तो सारे लोग वहाँ से निकाल लिए जाएंगे। और हमारा प्रयास है कि पूरी तरह से जो सड़क मार्ग बंद हो गए हैं, बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, सड़कों का संपर्क टूटा हुआ है, दूरसंचार की सेवाएँ भी बाधित हुई हैं, वो सभी सेवाएँ रिस्टोर हों, जल्दी से जल्दी काम चले, पुनः यात्रा चले, जनजीवन सामान्य हो। इसमें जान माल की भी क्षति हुई है, जो भी हमारे बीच से जिनकी मृत्यु हुई है उन सभी के प्रति हम शोक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं।